तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल आप लोग एक वीडियो देखे होंगे चंपारण किंग यूट्यूब चैनल पे, जो सुजीत भाई वीडियो शूट करके डाले हैं, और उससे पहले आप एक वीडियो देखे होंगे किंग ऑफ चंपारण यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर भी लगभग सेम ही वीडियो अपलोड हुआ है। एक ही लड़की है, एक ही औरत है जो उसको किडनैप करके लाई है और उसको बेच रही है, उस लड़की को बेच रही है। एक ही लड़की को सेम टाइम में दो दो आदमी बचा रहे हैं, दो दो आदमी बचा कर वीडियो शूट कर लिए हैं। एक सुजीत भाई भी वीडियो शूट कर लिया है, और ये जो अपना भाई है विकास भाई, ये भी वीडियो शूट कर लिए हैं। कहने का मतलब एक लड़की कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसको ये दोनों लोग बचा रहे हैं, फिर भी लड़की नहीं बच रही, लड़की को वो औरत बेचती है। कहने का मतलब इन लोगों का अपना काम तो बन रहा है कि वीडियो बन गया, वीडियो बना तो वो यूट्यूब चैनल पर आएगा और उससे जो भी अर्निंग होगा वो हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर लड़की बची है कि लड़की बस नाटक कर रही है, या लड़की नाटक कर रही है, या ये लोग उससे नाटक करवा रहे हैं, या ये लोग खुद नाटक कर रहे हैं, ये सब ये बहुत बड़ी बात है और ये बात जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद एक और वीडियो सामने आया है जहाँ पर वही लड़की है, वहाँ पर वो लड़की करती है गलत काम, यानी कि धंधे वाली काम करती है, और वहाँ पर भी उस लड़की को कोई ना कोई बचाता है। एक ही लड़की को तीन आदमी बचा रहे हैं, तीन आदमी वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, फिर भी लड़की नहीं बच रही है। तो बताइए इसमें किसकी दोष है? या तो सुजीत पांडे का दोष हो सकता है, विकास पांडे का दोष हो सकता है, या दूसरे जगह और कोई लड़का अगर उस लड़की को बचा रहा है उसका दोष हो सकता है, या तो पूरी पब्लिक का दोष हो सकता है, जिसको ये लड़की और इस सुजीत पांडे का पूरा टीम मिलकर बेवकूफ़ बनाया है, जैसे हम भी बन रहे हैं, क्योंकि हम भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो हम भी बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग बताइए उस लड़की को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, क्या एक्चुअल में वो लड़की बची भी या नहीं बची। आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।